नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपर फास्ट अंदाज में करेंगे शुरुआत। भारत में पीएम मोदी ने 5G सर्विस किया लॉन्च, लोगों का इंतजार हुआ खत्म। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। दरअसल 5G नेटवर्क्स पर बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा। 4G के मुकाबले इस पर 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, यह समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज और आगाज लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होने के भारत के सामर्थ्य का, इस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का विशेष दिवस। पीएम ने कहा, आज देश और टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G का उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वारा नए दौर पर दस्तक दी है, इसके लिए भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। पीएम ने कहा कि आज टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति जो देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है, अगर सरकार सही नीयत से काम करती है तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती। छत्तीसगढ़ सरकार को आरक्षण मामले में एक और झटका लगा। हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में स्थायी निवासियों को 100% आरक्षण देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा गया और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए। बुरहानपुर में नवरात्रि के मौके पर चुनरी यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। जिले की सबसे लंबी करीब 101 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा फव्वारा चौक से दुर्गा मंदिर से इच्छापुर गांव तक होगी। 25 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा में हजारों महिला और श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे। दमोह में विधायक रामबाई का कलेक्टर से अभद्रता का मामला सामने आया। सीएम के नाम पर कलेक्टर को एडीएम एसडीएम तहसीलदार ने सौंपा ज्ञापन। भोपाल में कैंसर अस्पताल में डॉक्टर ने काम किया बंद। मैनेजमेंट की मनमानी के चलते धरने पर डॉक्टर और स्टाफ। जबलपुर में वकील अनुराग साहू की आत्महत्या को लेकर हड़ताल। स्टेट बार काउंसिल की प्रदेशव्यापी हड़ताल में शामिल। आत्महत्या पर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। एमपी के कई जिलों में शासकीय कर्मचारियों और भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई। जबलपुर, निवाड़ी और मंडला में इन दिनों ठिकानों पर हो रही है कार्रवाई। जबलपुर, निवाड़ी, मंडला में लगातार छापामार। इनमें पहला निवाड़ी स्थित जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर कैलाश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल है। इसके ठिकानों से आय से 110% अधिक संपत्ति मिली। दूसरा, मंडला जिले के नैनपुर पदस्थ समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल के घर पर छापामार कार्रवाई हुई। इसके ठिकानों से आय से 600% अधिक संपत्ति पाई गई। ईओडब्ल्यू ने तीसरी छापेमारी मंडला के नैनपुर चकोर में पदस्थ समिति प्रबंधक राजू जायसवाल के घर पर की। इसके पास से आपको बता दें अकूत संपत्ति अर्जित हुई। जबलपुर में राजू वर्मा ने खुदकुशी की है। उसकी कोशिश की, लाइसेंसी पिस्टल से खुद पर गोली चलाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक 6 कॉलेजों के संचालक हैं राजू वर्मा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डिलाइट कंपाउंड की घटना, जांच में पुलिस जुटी। बलोद बाजार में पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर क्रिकेट पर सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध शराब कारोबारियों पर भी कार्रवाई हुई है। आरोपियों के पास से 19,000 से ज्यादा की नकदी और कई सामग्री बरामद हुई। बैरसिया में मजदूरों से भरी गाड़ी बरी घाटी में पास पलटी। हादसे में कई मजदूर घायल हुए। भोपाल में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 37 चोरी के वाहन जब्त। ढाबा मालिक का कर्ज चुकाने के लिए वाहनों की चोरी हुई। मंदसौर में एक बार फिर से धन परिवर्तन का मामला सामने आया। जिले में 4 महीने में तीसरा मामला है जब किसी मुस्लिम शख्स ने सनातन धर्म अपनाया। जिले के धमनार में रहने वाला मोहम्मद निसार धन परिवर्तन का हिंदू बना। इसने गायत्री मंदिर में हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ अपनाया। उमरिया बांधवगढ़ पार्क में सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इसका वन मंत्री ने
फीता काटकर शुभारंभ किया। सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र के सिविल लाइन रोड पर शंकरगढ़ के पास बीती रात एक ट्रक मकान में घुसा है। हादसे में मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत रही दुर्घटना में किसी के हताहत होने की या जनहानि की खबर नहीं आई। इधर गुस्साई भीड़ ने शराबी ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की। बलरामपुर के राजपुर वन विभाग की टीम ने जंगल और प्लांटेशन की कटाई करने के मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में जिले के डीएफओ के निर्देश पर फॉरेस्ट की टीम ने कार्रवाई की है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पट्टा मिलने के बाद लालच में लगातार ग्रामीण इस तरह का काम कर रहे हैं और जंगलों को साफ करते उस पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीजापुर में पहली बार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बस्तर संभाग के कवियों कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने इसका आनंद लिया। धमतरी में नवरात्र को लेकर माता के भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर माता शीतला मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि जो माता के शरण में सच्चे भक्त होते हैं उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ को खनन मुक्त आदेश के बाद नहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पूरे शहर में उत्खनन मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है। इस दौरान मौजूद लोगों ने एक सौ से चित्रकूट की रक्षा का संकल्प लिया और सरकार से मांग की कि चित्रकूट में संचालित सभी वैध और अवैध खदानों को बंद कर दिया जाए। इस दौरान साधु संतों ने मंच से सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वन क्षेत्र में संचालित अवैध खदानों को तत्काल बंद नहीं करती तो एक जन आंदोलन किया जाएगा। रतलाम में प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 9 दिवसीय मां जगदम्बा की आराधना और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के मौके पर कालिका माता मंदिर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। शहर में कई स्थानों पर गरबा के पंडाल सजाए गए। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 25.50 रूपये सस्ता हो गया है। इसकी कटौती के बाद दिल्ली में इसकी कीमत भी कम हुई है। लगातार छठे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। मई में इसकी कीमत 2354 रूपये पर पहुंची थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी होने से बाहर का खाना पीना सस्ता हो सकता है। होटल रेस्टोरेंट और ढाबे में इसका इस्तेमाल होता है। केरल से कर्नाटक पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा का 24वां दिन राहुल गांधी ने बेगूस और चामराजनगर से शुरू की यात्रा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को उनकी नवगठित डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी कि डीएपी का अध्यक्ष चुनाव किया गया। दरअसल आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने 26 सितंबर को दर्जनों पूर्व मंत्रियों पूर्व विधायकों अन्य प्रमुख नेताओं के सहयोग से डीएपी का गठन किया था। आज सुबह हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ है। इसके बाद हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन का डरावना वीडियो भी वायरल हुआ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि हिमस्खलन में केदारनाथ मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में ग्लोबल फॉर मॉल में भीषण आग लगी है। सूचना मिलते ही दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। देशभर में नवरात्रि की बड़ी धूमधाम रही है। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के 5वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। देश में कोरोना के 5,805 नए मामले सामने आए हैं जबकि 5,059 रिकवर हुए।
हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 51 नए मामले सामने आए हैं और 46 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में कोरोना के 24 घंटे में 30 नए मामले सामने आए हैं और 24 मरीजों ने कोरोना को मात दी। क्षेत्र में साइबर पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को काबू किया जिन्होंने फोन हैक कर कुरुक्षेत्र के वीरेंद्र सिंह के 1.5 लाख रुपए ठगे थे। कैथल में तीतराम थाना पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी के 5 क्विंटल नकली पनीर को पकड़ा है। नकली पनीर सिरसा के चंडीगढ़ और जीकर को सप्लाई किया जा रहा था। बीरवाड़ा के आसेन में सरपंच के बेटे ने लोगों के साथ कुछ घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। श्रीगंगानगर में घड़सागरा में जिप्सम माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया है। इस दौरान विभाग की टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बता दें वन विभाग ने जिप्सम में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस को बुलाया, माफियाओं पर कार्रवाई की। इस दौरान वन विभाग ने जिप्सम से भरे दो डंपर, एक जेसीबी मशीन और एक पोकलेन मशीन पकड़ी। सीकर के रिंग्स में चोरों ने प्राचीन मठ महादेव मंदिर में चोरी की और दान पात्र को खाड़ कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बांदीपुर के दौसा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद। बता दें कि दौसा के धनावड़ गांव में अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। बता दें चोरों ने करीब 6 लाख के जेवर सहित 45,000 की नकदी पार की। अभिनेत्री आशा पारे को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है, मुझे बहुत आभारी बनाता है कि यह मान्यता मेरे 80वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मिली। असम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम में अजय देवगन को उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। असम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम में संगीतकार और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज को डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने भी आपको बता दें कि गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। ओनियन सेल्वन का ओपनिंग डे पर कलेक्शन 40 करोड़ रुपए रहा है। इस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपए का है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ बांद्रा में स्पॉट हुए, इसका एक वीडियो सामने आया। रणबीर कपूर आलिया मुंबई के एक सिनेमा हॉल में भारी भीड़ के साथ आलिया को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, इसका वीडियो वायरल हुआ। सुष्मिता सेन की भाभी अभिनेत्री चारू असोफा ने बोल्ड अवतार में तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें चारू असोफा नए लुक में नजर आए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया पड़ोस में बम विस्फोट हुआ। यह विस्फोट शिक्षा केंद्र के अंदर हुआ जिसमें 19 लोगों की मौत हुई। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में हुए विस्फोट की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।